हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीत तिवारी चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोग को अपनी मदर इन लॉ का हेयर कट कर रही हूँ। ऐसे सिंपली नॉर्मली कट किया हुआ है, तो जितने हेयर उनके रफ हो गए थे 4 से 5 इंच तक, तो वो मैंने कट करके निकाले हैं और उसका वीडियो मैंने शूट कर लिया, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी मदर इन लॉ हैं गाइज, और मैं यहाँ पे इनका हेयर कट करना शुरू कर रही हूँ। और मैंने ये जो हेयर स्टाइल बना रखा है, इसका वीडियो मैंने शेयर कर रखा है, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और चेक करके आप इजीली वाला हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा अगर आप ये वाला हेयर स्टाइल बनाते हैं। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ का हेयर ना तो गीला किया, कुछ भी नहीं, इन्होंने बोला सिंपली कट कर दो, तो मैंने वैसे ही कट किया है, बिल्कुल ही बस ऐसे ही, जितना भी हेयर डैमेज था उतना निकाल के। ये देखिए 5 से 6 इंच तक मैं इनका हेयर निकालूंगी और इस तरीके से कट करना है। तो सिंपली मैंने इनके हेयर को गीला भी नहीं किया, कटिंग सीट भी नहीं लगाई, उन्होंने मना किया तो मैंने नहीं लगाया। और इस तरीके से उंगली को स्ट्रेट रखना है, 5 से 6 इंच तक हेयर इनकी लेंथ निकालनी है, तो इतना कट करना है। इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है। तो पहले बीच की मांग निकाल के अच्छे से कॉम कर लेंगे और बालों को सुलझा लेंगे। तो प्लीज़ ये वाला हेयर स्टाइल चेक जरूर कीजिएगा, बहुत सुंदर लगता है और ट्राई करके बना सकते हैं देख के आप लोग। तो इस तरीके से हेयर को पकड़ा है और कट किया है। तो बारिश की वजह से बैकग्राउंड वो लाइटनिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ डोंट माइंड गाइज। तो इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से कट कर देना है, जैसे मैंने पकड़ा हुआ सेम उसी तरीके से। तो आप देख लीजिए किस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। इस तरीके से कट करती तो आपको दिखता नहीं, तो मैं इस साइड से कट कर रही हूँ, तो आपको अभी क्लियर दिख रहा होगा। इस तरीके से कट करना है और आपको कट करने के बाद से चेक कर लेना है कि आपका कटिंग अच्छे से हुआ है या नहीं। तेरे के इतने हेयर इनके ख़राब हो गए थे, तो इतने मैंने कट कर दिए और बिल्कुल स्ट्रेट कट हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए मैं चेक करके देख लेती हूँ कि अच्छे से हेयर कटिंग हुई है या नहीं। तो इस तरीके से आपको हेयर्स को फिंगर्स में पकड़ के और चेक कर सकते हैं, अगर हेयर कटिंग थोड़ी भी ऊपर नीचे होगी तो दोबारा से कट कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे वैसे तो पूरा अच्छे से कट हो चुका है, बिल्कुल थोड़ी बड़ी अगर निकली बची हो तो आपको इस तरीके से कट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। ऐसे पकड़ना है फिंगर में और अच्छे से इसको कट कर देना, तो एकदम परफेक्टली आपका स्ट्रेट हेयर कट हो जाएगा। ओके, तो ये कट हो गया है, लाइटनिंग की वजह से क्लियर ही दिख नहीं रहा है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मैं दिखा देती हूँ आपको हेयर कट, तो देखिए हेयर कट हो गया है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो गाइज, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मतलब समझ में क्या आना है, सिंपल सी की कटिंग है, नॉर्मली ऐसे ही पकड़ के मैंने कट कर दिया था। तो आपने देख लिया वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी अच्छी अच्छी वीडियोज देखने के लिए। हाँ गाइस, मैं अपने चैनल पे अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल लेके आ रही हूँ, तो आपको और कोई हेयर स्टाइल सीखना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय गाइस, लव यू ऑल, मैं बाय, टेक केयर।